एवरीवन, ट्यूसडे लोब्सांग रामपा एक तिब्बतियन लामा थे। मंगलवार के दिन पैदा होने के कारण ही उनका प्रथम नाम तिब्बती परंपरा अनुसार ट्यूसडे लोब्सांग रामपा रखा गया। ये तिब्बत के ल्हासा जिले के 10 ऊंचे घरानों में से एक परिवार में जन्मे थे। इनके पिता तिब्बत के ही राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी थे और बहुत ही कड़क अनुशासन में अपने बच्चों को पालते थे। लोब्सांग को मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही चाकपोरी लामा मठ भेज दिया गया, जहां पर प्रवेश के लिए भी रामपा को कड़ी परीक्षा देकर गुजरना पड़ा। और वहां पर जब वो प्रशिक्षण ले रहे थे, तब भी बहुत ही कड़े अनुशासन के बीच में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई मेडिसिन और सर्जरी में पूरी की। उनके गुरु मिंग्या डोंडुप उनको अपने मार्गदर्शन में शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए। पिछले कई जन्मों से ही वो लामा थे और उनके में अतेंद्रिय क्षमता विकसित थी, इसलिए गुरु मिंग्यार के कहने पर मात्र 8 वर्ष की आयु में ही उनके जन्मदिन पर कुछ उपकरणों के द्वारा उनकी थर्ड आई को सर्जरी के द्वारा खोला गया, ताकि उनकी आध्यात्मिक विकास तेजी से हो सके और वो जिस काम को पूरा करने आए थे उसको जल्दी जल्दी पूरा कर दें। उस समय के तिब्बत के 13वें दलाई लामा भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। उन्हीं के मार्गदर्शन पर मिंग्यार गुरु ने इनको मेटाफिजिक्स, ऑकल्ट, सर्जरी, मेडिसिन इन सब की पढ़ाई में भरपूर सहयोग किया। इसके अलावा कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रेवल करना, ऑरा को देखना, साइकोमेट्री, टेलीपैथी जैसी कई देवी शक्तियों में भी उनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ और मात्र 17 वर्ष की आयु में ही उनको लामा पद की उपाधि दे दी गई। उसके बाद वो चीन गए, जहां पर अपनी पढ़ाई को जारी रखा और साथ ही चीनी सेनाओं के बंदी शिविरों में उन्होंने चिकित्सीय सेवा देना प्रारंभ किया। उसी समय जापानियों के द्वारा आक्रमण हुआ और ये बंदी बना लिए गए। रामपा पर काफी शारीरिक हिंसा की गई। इसके बाद वो किसी तरह भागकर रशिया गए। वहां पर भी उन्हें बंदी शिविर में ही रखा गया और उनके शरीर पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए गए। कई जगह हड्डी टूटने के बावजूद वो घायल अवस्था में जब ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए थे, तब उनकी एस्ट्रल बॉडी ने मिंग्यार से बात की। गुरु मिंग्यार ने बताया कि अब तुम्हारा शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया है और इसे आगे कंटिन्यू करके आपके मिशन को पूरा करना असंभव प्रतीत हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने एक इंग्लैंड में एक ऐसे शरीर को चुना है जो स्वेच्छा से अपना शरीर आपको दे देगा और आप इस वर्तमान शरीर को छोड़कर उस शरीर में प्रवेश करके, यानी कि ट्रांसमाइग्रेशन करके, जिसे हम आम भाषा में वॉक इन कहते हैं, उसके द्वारा उसके शरीर में रहकर अपने पूरे काम को अंजाम दोगे। और रामपा मान जाते हैं। ऑपरेशन के बाद कुछ हफ्तों तक आराम करने के बाद जब रशिया के हॉस्पिटल में से छुट्टी मिलती है, तो उन्हें बताया जाता है कि उन्हें रशिया 3 हफ्तों में ही छोड़ना होगा। वहां से वो फ्रांस, अमेरिका, इंडिया होते हुए तिब्बत पहुंचते हैं, क्योंकि अपने शरीर को छोड़ने के पहले उन्हें आवश्यक था कि अपने शरीर को तिब्बत में सुरक्षित पहुंचाया जाए। इस दौरान भी उन्होंने काफी मुसीबतों का, चुनौतियों का सामना करा। जब वे तिब्बत पहुंचे, तब उन्हें एक पर्वतीय घर में छुप कर रहना पड़ा, क्योंकि उस समय चीनी सेना ने आक्रमण कर दिया था। वहां पर एस्ट्रली जाकर उन्होंने उस व्यक्ति का आकाशिक रिकॉर्ड देखा, जिनके शरीर में प्रवेश करके उन्हें अपने कामों को पूरा करना था। उसका नाम सिरिल हेनरी हॉस्किन था, जो एक प्लम्बर था और युद्ध के कारण काफी समय से बेरोजगार था। साथ ही सिरिल से उन्होंने एस्ट्रली मुलाकात की और एक तय तिथि के अनुसार ट्रांसमाइग्रेशन का दिन तय किया गया। 8 अप्रैल 1910 में जन्मे सिरिल एक प्लम्बर थे और उनकी पत्नी सैंड्रॉप थी। वो अपनी बेरोजगारी से बहुत ही ज्यादा दुखी थे और वे अपने जीवन को समाप्त करना चाहते थे। उनको फोटोग्राफी का भी शौक था। एक बार जब वो फोटोग्राफी के लिए
पेड़ पर चढ़े हुए थे, तब अचानक वो नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। अर्ध चेतना अवस्था में उनको एक केसरिया रंग के वस्त्र पहने हुए एक तिब्बतीयन लामा अपने पास आते हुए दिखाई दिए। तिब्बतीयन लामा ने उन्हें कहा कि डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन से तंग आ गए हो और इस शरीर को छोड़ना चाहते हो, तो क्या हमारे एक व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा मृत्यु को करोगे ताकि तुम्हारे शरीर में वो आकर अपने कामों को पूरा कर सके। इसके बदले में आपके सारे कर्म पोंछ दिए जाएंगे और आपको स्पिरिट वर्ल्ड में पुरस्कृत भी किया जाएगा। सिरिल तो वैसे ही परेशान था, उसने हामी भर दी और रामपा से मिलने के बाद एक तारीख तय की गई कि कब ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स यानी वॉक इन की प्रोसेस हो। गुरु मिंग्यार और तीन प्रधान लामाओं के सानिध्य में इस प्रोसेस को अंजाम दिया गया। सिरिल जानबूझकर जोर से गिरा ताकि उसका सिल्वर कॉर्ड ढीला पड़ जाए और एक लामा के द्वारा उसके सिल्वर कॉर्ड को काटकर स्पिरिट वर्ल्ड ले जाया गया और तिब्बत में बैठे रामपा एस्ट्रली उस जगह पर पहुंचे जहां पर दूसरे लामा ने उनके सिल्वर कॉर्ड को काटकर सिरिल की बॉडी के साथ जोड़ दिया। इस तरीके से ट्रांसमाइग्रेशन पूरा हुआ, पर अभी इस शरीर में एडजस्ट करके रहना उनके लिए थोड़ा कठिन रहा। धीरे धीरे वो इस शरीर में एडजस्ट होते गए। पत्नी सैंड्रॉप अच्छे से जानती थी कि अब मेरे पति के रूप में कोई और लामा मौजूद हैं, तो वे उन्हें पूरा सहयोग करती रही। आजीविका के कारण उन्होंने एक पुस्तक लिखना शुरू किया जो उनकी ही आत्मकथा के ऊपर आधारित थी। 1956 में थर्ड आई के रूप में उन्होंने अपनी पहले पुस्तक को प्रकाशित किया और अपना नाम भी पेन नेम ट्यूसडे लॉबसंग रामपा रखा, जो वो वास्तव में थे। इस पुस्तक ने पूरे विश्व में धूम मचा दी, पर लोगों को ये बात सहन नहीं हो पा रही थी कि एक प्लम्बर कैसे इतने ज्ञान को दे सकता है, और उन्होंने ट्रांसमाइग्रेशन की प्रोसेस को भी नकार दिया। वे उस पर इल्जाम लगाते रहे कि वो एकमात्र प्लम्बर है और जो भी थर्ड आई में उन्होंने अपनी आत्मकथा कही है वो पूरी मनगढ़ंत है। इस बुक के और इस विवाद के बाद रामपा को हार्ट अटैक हुआ और वो दबाव के कारण इंग्लैंड छोड़कर आयरलैंड में शिफ्ट हो गए। वहां पर भी उनके पीछे जासूस लगा दिए गए और पूरे समय उनसे सत्यता की जांच के लिए प्रमाण मांगा जा रहा था, पर उन्होंने कभी भी अपनी सत्यता के लिए कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। आयरलैंड को भी उन्हें छोड़ना पड़ा और वो हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो गए। 1965 में उन्होंने यू फॉरएवर बुक लिखी, जो उनकी सराहनीय बुक में से एक है, जिसका 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इस बुक में हमारी अपनी साइकी पावर्स को कल्टीवेट करना, उनके प्रति सावधानी रखना और अपने आप को जानने के बारे में है। अगर इस बुक को कोई भी समझकर उस चीजों का अभ्यास करेगा तो वो स्वयं को जान जाएगा और स्वयं को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। मेरा सौभाग्य है कि इस बुक का हिंदी ट्रांसलेशन मैंने तुम शाश्वत हो के रूप में किया है और मैं चाहती हूँ कि उनकी इस ज्ञान को मैं पूरे जगह पहुँचाऊँ। इस बुक में अपने ऑरा को देखना, कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रेवल करना, टेलीपैथी, साइकोमेट्री, क्लियरवॉइंस, सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा अपनी बुरी आदतों को छोड़ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कई चीजों के बारे में ज्ञान दिया गया है। अब इस सोल साइंस चैनल में इस बुक के पूरे ज्ञान को मैं साझा करूंगी और उम्मीद करती हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे ताकि हम जान सकें कि हम कौन हैं, हम शाश्वत हैं। थैंक यू।